A very good morning to all the students. We'll be studying lesson number 4 in English subject for class 3. Let us start with the lesson. So, as you can see on your screen, there's a starter kit. हम पहले उसको read करेंगे. Both cats and dogs are loving pets. तो जैसे कि आप जानते हो, दोनों बिल्ली और कुत्ते एक loving pets हैं. Pets का मतलब क्या होता है? ऐसे जानवर जिनको हम घर पे रख सकते हैं. But they are quite opposite in their nature. पर दोनों का स्वभाव, दोनों का रहने का ढंग सब कुछ बिल्कुल अलग अलग है. अ डॉग एन्जॉयज रेसलिंग विथ इट्स ओनर. एक डॉग को अपने ओनर मतलब अपने मालिक के साथ लड़ाई झगड़े जैसा खेलना पसंद है. बट अ कैट वुड रन अवे इफ ट्रीटेड रफली. पर अगर आप बिल्ली को एक कुत्ते के जैसे आप कुत्ते के साथ खेलते हो, अगर आप वैसे ही बिल्ली के साथ खेलोगे तो बिल्ली तुरंत आपके पास से भाग जाएगी. दैट इज़ वाई कैट्स एंड डॉग्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स. इसके लिए एक कुत्ते और बिल्ली कभी भी दोस्त नहीं हो सकते. हियर यू विल रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ कैट्स एंड डॉग्स बिकेम एनिमीज ऑफ ईच अदर. यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही मन अच्छी स्टोरी पढ़ोगे कि कैसे कुत्ता और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन बन गए. तो चलो अब हम लेसन से स्टार्ट करते हैं. देयर वॉज अ टाइम व्हेन कैट्स एंड डॉग्स लिव्ड एज फ्रेंड्स. एक समय था जब कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे. दे वर नॉट एनिमीज, दे एट एंड प्लेड टूगेदर. वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, वो साथ में खाते थे एंड साथ में वो लोग खेलते थे. बट देन दे बिकेम बिटर एनिमीज. पर एक ऐसा टाइम आया जब वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे. डू यू नो हाउ? रीड द स्टोरी एंड यू विल नो. क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो एक दूसरे से नफरत करने लगे? तो आओ उसके लिए हम ये स्टोरी रीड करते हैं. सो इन दोज डेज वन मिस्टर स्मिथ हैड अ डॉग एंड अ कैट. तो एक समय की बात है जब एक मिस्टर स्मिथ नाम के बंदे के पास एक डॉग था एंड एक कैट था. द डॉग वॉज नेम्ड ब्रूनो. डॉग का नाम ब्रूनो था और कैट का नाम था किटी. दिस कैट एंड द डॉग वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. ये दोनों जो कैट और डॉग थे ना स्टूडेंट्स, ये दोनों एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे. दे वुड किस इच अदर ऑन द नोज. ब्रूनो वुड से ओ किटी यू आर सो प्रिटी एंड किटी वुड से ब्रूनो यू आर सो हैंडसम. तो जो ब्रूनो है ना, ब्रूनो किटी को बोलता था किटी तुम कितनी प्रिटी हो, तुम कितनी प्यारी लगती हो. एंड देन किटी ब्रूनो को बोलती थी ब्रूनो तुम भी बहुत हैंडसम लगते हो. नेक्स्ट ब्रूनो एंड किटी वर फेथफुल पेट्स. मतलब वो एक भरोसेमंद विश्वास लायक के पेट्स थे. कौन? किटी एंड ब्रूनो. किटी केप्ट हर मास्टर्स हाउस फ्री फ्रॉम माइस. तो जैसे कि आप जानते हो किटी एक कैट का नाम है एंड कैट का फेवरेट फूड होता है माइस मतलब चूहे. तो किटी जिस घर में रहती थी ना, किटी अपने मास्टर के घर में एक भी माइस को आने नहीं देती थी. बिकॉज कभी भी अगर उसको माइस दिखता, किटी उसको ढूंढ के खा जाती थी. नेक्स्ट ब्रूनो केप्ट इट सेफ फ्रॉम थीव्स. ब्रूनो जो कि एक डॉग का नाम है, और आपको पता है कि लोग अपने घर पे डॉग क्यों रखते हैं, ताकि रात को जब वो लोग सो जाएं तो उनके घर पे कोई भी थीव्स मतलब चोर ना आ पाए. बट देयर मास्टर वॉज अ बिग माइजर. अब उनका जो मास्टर था मतलब उनका जो सेठ था, वो बहुत बड़ा माइजर था मतलब बहुत कंजूस था. कंजूस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो इंसान पैसा खर्चा नहीं करता है उसे हम कहते हैं कंजूस. तो किटी और ब्रूनो का मास्टर बहुत ही माइजर था. ही डिडंट गिव द एनिमल्स इनफ टू ईट. ये क्या करता था? अपने एनिमल्स को अच्छा खाना और ज़्यादा खाना भरपेट नहीं देता था. नेक्स्ट वन डे बोथ ब्रूनो एंड किटी वेंट टू देयर मास्टर. एक दिन ब्रूनो और किटी दोनों जन अपने मास्टर के पास गए. सर दे सेड वी लव यू वी कीप द माइस अवे फ्रॉम योर हाउस. तो वो दोनों अपने मास्टर के पास गए और उन्होंने बोला सर मतलब मास्टर जी, मास्टर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके घर से चूहों को दूर रखते हैं, हम आपके घर को चोरों से बचाते हैं, बट यू डोंट इवन गिव अस गुड फूड, यू मस्ट गिव अस अ बिग पीस ऑफ फ्रेश मीट एवरी डे. फिर उन्होंने बोला हम आपके घर चूहों से बचाते हैं, हम आपका घर चूहों से साफ रखते हैं, हम आपके घर में चोर नहीं आने देते, पर आप हमें अच्छा खाना देते ही नहीं हो,
मास्टर आपको तो हमें रोज एक ताज़ा मीट का टुकड़ा रोज देना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ द मास्टर वॉज अ माइजर। जैसे आपको पता है उनका मास्टर बहुत ही बड़ा कंजूस था। माइजर मीन्स कंजूस। ही डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन मीट एवरी डे। वो उसका मास्टर हर दिन खाने पे खर्चा करना नहीं चाहता था, स्पेशली मीट पे। सो ही ट्राइड टू बी क्लेवर। तो उसने है ना अपना दिमाग लगाया मास्टर ने, और मास्टर ने बोला यू विल फॉल इल इफ़ यू ईट मीट एवरी डे। मास्टर ने बोला देखो तुम अगर हर रोज मीट खाओगे ना तो तुम लोग बीमार पड़ जाओगे। नेक्स्ट, वी डोंट केयर सेड द एनिमल्स एंड देर इज वन थिंग मोर। वो एनिमल्स ने बोला हमें जरा भी फिक्र नहीं है, हमें जरा भी चिंता नहीं है, आप हमें रोज मीट दो बस। उन्होंने बोला एक और बात, यू मस्ट साइन एन अग्रीमेंट, यू मस्ट प्रॉमिस टू गिव अस मीट एवरी डे। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, दोनों किटी और ब्रूनो अपने मास्टर के पास गए और बोले कि आपको हमारे से आपको एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप एक अग्रीमेंट साइन करो। अग्रीमेंट का मतलब कैसा होता है स्टूडेंट्स, एक पेपर पे आप जो जो आप करने वाले हो वो आप सब लिखते हो कि हाँ मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। तो किटी और ब्रूनो ने अपने मास्टर से एक अग्रीमेंट पे सब कुछ लिखवा लिया। अब लेट अस गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो मिस्टर स्मिथ हैड टू साइन एन अग्रीमेंट। तो उन्होंने वो अग्रीमेंट मिस्टर स्मिथ ने साइन कर दिया। उस अग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा, इन इट ही रोड दैट ही वुड गिव द एनिमल्स अ बिग पीस ऑफ मीट डेली। जैसे मैंने आपको बताया जो जो आप करने वाले हो वो सब कुछ आपको उस अग्रीमेंट में लिखना पड़ता है। तो मिस्टर स्मिथ ने लिखा कि मैं डेली अपने एनिमल्स को एक मीट, एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा दूंगा। किटी टुक द अग्रीमेंट एंड हाइड इट इन द लॉ। तो किटी जो कि कैट थी उसने क्या किया, वो अग्रीमेंट को लिया और सुरक्षित जगह पे एक स्टोर रूम जो होता है ना छोटा सा अपने घर में, वहाँ पे किटी ने उस अग्रीमेंट को रख दिया, उसे हम कहते हैं लॉ। मिस्टर स्मिथ गेव द एनिमल्स मीट फॉर अ वीक। मिस्टर स्मिथ ने उस अग्रीमेंट के हिसाब से अपने एनिमल्स को एक हफ्ते तक मीट मतलब मांस दिया खाने के लिए। बट देन ही सेड दैट मीट वॉज एक्सपेंसिव। फिर एक हफ्ते के बाद मिस्टर स्मिथ ने बोला कि मीट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ही महंगा है। सो ही स्टॉप बाइंग मीट फॉर द एनिमल्स। तो मिस्टर स्मिथ ने एनिमल्स के लिए मीट खरीदना बंद कर दिया। ही अगेन स्टार्टेड गिविंग देम ओनली ब्रेड एंड अ लिटल ऑफ मिल्क। अब क्योंकि मिस्टर स्मिथ को मीट बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, मांस बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, तो उन्होंने फिर से अपने एनिमल्स को ब्रेड और थोड़ा सा दूध देना चालू किया। बोथ ब्रूनो एंड किटी वर वेरी एंग्री। दोनों एनिमल्स फिर से बहुत ही गुस्सा हो गए। दे वेंट टू मिस्टर स्मिथ एंड सेड सर यू प्रोमिस टू गिव अस फ्रेश मीट एवरी डे बट वेर इज द मीट। तो दोनों किटी और ब्रूनो दोनों लोग बहुत गुस्से हो गए थे। वो लोग मिस्टर स्मिथ के पास गए और बोले कि सर आपने हमें प्रोमिस किया था आपकी आप रोज हमें ताज़ा मीट दोगे, कहाँ है वो मीट। नेक्स्ट, डिड आई मेक एनी प्रोमिस आस्क्ड मिस्टर स्मिथ। मिस्टर स्मिथ ने बोला क्या मैंने तुम लोग को कोई वादा किया था क्या। यस यू डिड सेड ब्रूनो, यू इवन साइंड एन अग्रीमेंट। तो फिर ब्रूनो ने बोला हाँ सर आपने एक अग्रीमेंट भी साइन किया था। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं वॉट अग्रीमेंट। तो फिर किटी बोलती है आई विल शो यू। तो किटी फटाफट वो लॉफ्ट के पास जहाँ पे उसने वो अग्रीमेंट रखा था ना वहाँ पे जाती है और अग्रीमेंट लेके आने की तैयारी करती है। बट किटी कुडंट फाइंड एनी अग्रीमेंट। पर जैसे ही किटी वहाँ पे जाती है किटी को वो अग्रीमेंट नहीं मिलता है। शी फाउंड ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर देयर। किटी ने वहाँ पे क्या देखा कि वो अग्रीमेंट जो थे उसके सिर्फ छोटे छोटे पेपर के टुकड़े वहाँ पे पड़े हुए थे। द माइस हैड निबल्ड द पेपर बैडली। तो वहाँ पे उसने क्या देखा कि माइस मतलब जो चूहा होता है वो चूहे ने उस पेपर को निबल्ड कर दिया। निबल्ड मतलब उसके एकदम पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए हैं। किटी केम बैक एंड टोल्ड ब्रूनो व्हाट हैड हैपेंड। तो किटी अब एकदम उदास हो जाती है और किटी अपने फ्रेंड ब्रूनो के पास आती है और बोलती है उस पूरी स्टोरी बताती है कि ब्रूनो मैंने जहाँ पे अग्रीमेंट रखा था वहाँ पे ये कैट ने वहाँ पे वो माइस ने
वो पूरे अग्रीमेंट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। द टू एनिमल्स ट्राइड टू आर्ग्यू विथ मिस्टर स्मिथ बट ही डिडंट लिसन। नो अग्रीमेंट नो मीट ही सेड। दोनों जानवर मिस्टर स्मिथ के साथ बहुत ही बहस कर रहे थे बट मिस्टर स्मिथ ने उनकी बात नहीं सुनी और मिस्टर स्मिथ ने कहा अगर अग्रीमेंट नहीं है तो आप लोग को मीट नहीं मिलेगा। ब्रूनो वॉज नाउ वेरी एंग्री विद किटी। ब्रूनो किटी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया किटी के ऊपर। ही कॉल्ड हर केयरलेस एंड इवन बाइट हर एंड इवन बिट हर टेल। तो ब्रूनो ने बोला कि किटी तुम कितनी लापरवाही हो, तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया। कौन सा काम? क्योंकि किटी एक कैट है और किटी सभी माइस को दूर रखती थी, किटी माइस को खाती थी और क्योंकि किटी ने माइस को नहीं खाया तभी माइस ने वो सारे पेपर को निबल कर दिया, मतलब काट काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और किटी ने बोला तुम एकदम लापरवाह हो और ज़ोर से उसने किटी के टेल को काट लिया। किसने काटा? जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो ब्रूनो ने किटी को टेल को बाइट कर लिया। नेक्स्ट, यू डॉग डिड यू बाइट माई टेल आस्क्ड किटी एंग्रीली। तो फिर किटी ने गुस्से से बोला क्या तुमने मेरी पूंछ काटी? फिर ब्रूनो बोलता है ये यस मैंने काटी, मतलब वो ग्राउल करता है। ग्राउल का मतलब ऐसे डॉग जब धीरे धीरे भौंकते हैं ना, तो ऐसे वो डॉग ने ब्रूनो ने ग्राउल किया और बोला एंड आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश। और ब्रूनो ने एकदम गुस्से में बोला मैं तुम्हें जान से मार के मैं तुम्हारा मीट खा जाऊंगा। किटी वॉज अफ्रेड, किटी एकदम डर गई। शी एट वंस बोल्टेड अप अ ट्री और किटी पलक झपकते ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से डॉग्स एंड कैट्स आर बिटर एनिमीज। और उसी दिन से ये डॉग और कैट एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन बन गए। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन कैट्स हैव हेटेड माइस। और उसी दिन से कैट को, बिल्लियों को, चूहों से और ज़्यादा नफरत हो गई। सो विद दिस स्टूडेंट्स विल बी एंडिंग दिस लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।